अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इधर से निकलेंगे और भी नाश्ता करेंगे, पैकिंग हम निकल लिए। ठीक है, ये कैमरा स्टैंड है मेरा और ये बैग है और हम सभी तैयार हो गए हैं और हम रेडी भी हमारी पूरी तैयारी। हाँ चले। चलिए चलो। हाँ हाँ जी, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल रहा है अभी तक। अभी नाश्ता करेंगे और फिर इधर से निकलेंगे। ठीक है, और अभी इंशाल्लाह साथ साथ माहौल दिखाते जाएंगे। ये डोर को लॉक कर दिया हमने। ठीक है, और इसको सॉरी, ये डोर लॉक हो गया और ये हमारी चाबी का नंबर है। ये गैलेक्सी होटल है, गैलेक्सी होटल। ठीक है, और अभी हम निकलने लगे। अभी जाके नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद दोबारा वापस आएंगे। वापस आने के बाद फिर इधर से निकलेंगे और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह निकलते हैं, देखते हैं फिर आगे प्रोग्राम। इधर से हम नाश्ता करेंगे असली नमक मंडी वाले आश्रावरी। ठीक है जी, अभी नाश्ते के लिए हम इधर आ गए हैं। आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी बैठे जी। थैंक यू। राह सब कैसा फील कर रहे हैं सुबह सुबह? फ्रेशनेस है आपके ऊपर? मेन्यू लेके आए जी। नाश्ता भी यहाँ पे अच्छा मिलता है, अभी इंशाल्लाह इनको और घुमाएंगे। अभी तो हम आगे टूर के लिए निकलते हैं। दाने साहब, आपको कैसा व्यूज रहा है भाई? जबरदस्त है, बोल के बताएं, ऐसे नहीं पता चलना। गला खराब है इसने ज्यादा खा रही है रात का, इसलिए गला खराब है। क्या ख्याल है जी राणा जमशेद साहब? कैसा रहा बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इनका मेन्यू कार्ड है, माशाल्लाह जबरदस्त है जी। इस सुबह का नाश्ता भी हम करने लगे हैं। मेन्यू कार्ड है और जिसने भी आना मार रोड पे लाहौरी खापे वाले, बहुत ज़बरदस्त है। अभी हमने पैकेज बुक करवाया है उनसे, खाने का, नाश्ते का, पराठे का और चने थे, साथ हलवा थोड़ा सा। और हम ये चाह रहे हैं लाइट सा नाश्ता करें, अभी आगे जाके दोपहर का खाना खाया, क्योंकि रात को हमने लेट खाना खाया था। सो अभी आता है नाश्ता, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। नाश्ता आ गया जी, और ये पराठे और ये चने हैं साथ और ये हलवा। नाश्ता हम करेंगे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता है। चले नहीं करें स्टार्ट? मेरे अच्छे लगे होंगे और मैं यही चाहता हूँ कि यार चलो जो जो मैं इधर इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊँ। इधर व्यूज होटल का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त होटल है। तो मार रोड पे है, खापे वाला ढाबा, बहुत ज़बरदस्त है होटल है। वैसे देखें बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। और फाइनली हमने नाश्ता कर लिया और इधर से निकलने लगे हैं। सब रेडी है। दानिश की चाय नहीं ख़त्म हो रही, वो थोड़ी सी रह गई चाय, और दानिश अगर ख़त्म कर लेगा आज के दिन में तो जनाब से बड़ी कोई बात नहीं। चले नहीं, रेडी हो रहे हैं। इनका व्यू बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी इधर आए और इधर आके इनका खाना
दोपहर का खाना, शाम का खाना भी तेज करे माल रोड पे, ठीक है। अभी वापस से आ रहे हैं, सो पीछे व्यू देखने वाला है और बहुत जबरदस्त माहौल है इधर का। ये रात वाला भी सीन है, डे वाला सीन है। रश अभी तक ऐसे ही है जैसे रात वाला सीन है, तो रात को बहुत ज्यादा रश हो। और अभी हम इधर से निकलेंगे, फैमिली भी आई हुई है। और ये देखो, ये रात से हमारी बाइक खड़ी है, ये दूसरी बाइक खड़ी है। गाड़ी पे इसलिए नहीं आए कि पहले हम बहुत दफ़ा गाड़ी पे आ चुके हैं, इस दफ़ा ट्राई करना चाह रहे थे कि बाइक पे आ सकते हैं या नहीं। बाइक पे आने का कोई मकसद नहीं है, आप गाड़ी पे आएँ जो अच्छी है। बाइक पे आएंगे तो मज़ा तो आएगा, लेकिन उधर के लोग जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आ सकते हैं, हम तो दूर से हैं। लेकिन हमने इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये इधर बादल हैं ऊपर हम काफ़ी, ये मार रोड है, मार रोड। और इधर बहुत ज़बरदस्त माहौल है, मैं आगे आपको दिखाता जाऊँगा। नेक्स्ट जो सीन है सारे मैं वो दिखाता जाऊँगा, बहुत ज़बरदस्त बहुत ब्यूटी सीन है जो आगे देखने वाले हैं जी। और रात को बारिश भी हुई है, मज़ीद ठंडा माहौल हो गया, ठीक है जी। तो अभी ये भाई हमारे से पर्ची लेने आए हैं, ठीक है जी। और पेट्रोल पम्प इधर से कहीं नहीं मिल रहा, अभी इधर से नीचे खान साहब किधर, इधर बता रहे हैं नीचे। हाँ, पहले हमने टैंकी फुल करवाई थी और अभी दोबारा से हम पेट्रोल डलवाएंगे, आया के घूमने में कोई मसला ना हो, कोई परेशानी पेश ना आए। अभी हम चलेंगे पेट्रोल डलवाएंगे। तकरीबन नथिया गली के करीब पहुंचने वाले हैं और अभी ये सीन देखें, ये बादल है ऊपर नीचे और कुछ ऊपर हमारे, हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो नथिया गली ऊपर है और यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर है और तकरीबन थोड़ी देर तक हम पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है और बहुत कूल्ड माहौल है। हमें तो शिवरिंग होनी स्टार्ट होगी, सर्दी लगनी स्टार्ट होगी। तो आप जब भी इधर आएँ विज़िट करें तो नथिया गली ज़रूर जाएँ, मैं उधर जाके भी आपको सारा सीन दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं। ये ऐसा नज़ारा है कि जैसे कि धुंध, सर्दियों का मौसम बड़ा हुआ है, ठीक है जी। और बहुत ज़बरदस्त माहौल है माशाल्लाह। और हमने इधर स्टे किया है और ये देखिए माशाल्लाह, ये पत्थर ऐसा है लगा हुआ है कि यार वाइटनेस इस पर बहुत ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है जी। तो इधर देखें, लोग काफ़ी ज़्यादा इधर खड़े हैं।
कुछ ऐसे हैं कि हम जो स्टे है नथिया गली के थोड़ी सी तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया है, और 10 किलोमीटर इधर से नथिया गली है, और अभी इधर से व्यूज़ देख रहे हैं और कुछ खाने का सोच रहे हैं कि इधर से खाना है या नथिया गली जा खाएंगे, और ये डिसाइड करना तो हम सब ही वो देखें ऊपर सब तो डिसाइड करेंगे। ये इधर से आप देख सकते हैं कि इधर जो माहौल है बहुत ज़बरदस्त है, और बारिश जैसे कि बारिश का माहौल बना हुआ है, लेकिन ऊपर आके बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। और मज़े की बात बताऊं कि जब आप इधर विज़िट करने आते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं ना ऐसी जगह पे चले गए हैं जैसे कि हमने ये पहले व्यूज़ देखे हुए हैं। तो मैं पहले आ चुका हूँ, तो जब मैं पहली दफ़ा आया था तब भी बहुत ज़बरदस्त माहौल था। अभी हम इधर तकरीबन थोड़ी देर तक निकलते हैं, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना आगे। ठीक है जी, थैंक यू। फाइनली हम अयूबिया पहुंच गए हैं, ठीक है, और इधर बैठ के हम स्टे कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ बहुत ज़बरदस्त माहौल है, ये देखिए ज़रा अयूबिया, बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ज़बरदस्त सीन है, और मैंने सीन विज़िट की है जो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और जो भी इधर आना चाहे वो आज के दिनों में आ रहे हैं। फिर भी कोल्ड है इधर, माहौल बहुत ज़बरदस्त है, और गर्मियों से बेहतर है कि बंदा अगर सर्दियों में, जैसे कि इधर फील हो रहा है जैसे सर्दी है इधर ना, ठीक है, हमें ठंड लग रही है, फिर भी इधर थोड़ा सा बेहतर है। पीछे जहाँ से हम आए हैं उधर से तकरीबन है कोई इधर से कोई 30 किलोमीटर पीछे, इतनी की ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी इधर कुछ बेहतर है,
धूप धूप होने की वजह से थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन गर्मी पीछे बहुत ज़्यादा है। जहाँ से हम घर से निकले उधर से बहुत ज़्यादा, लाहौर भी जैसे कि लाहौर हो गया हमारा, गुजरांवाला हो गया, अदर गुजरात तक इतनी गर्मी थी कि सोच भी नहीं सकते। इधर कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत ज़बरदस्त माहौल है, काफ़ी लोग इधर विज़िट करने के लिए आए हुए हैं और हम इधर बैठे हुए हैं तो पिक्स और व्यूज़ कुछ ले रहे हैं, कुछ ऐसे व्यूज़ हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मरी का टूर है हमारा वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है, और इंशाल्लाह अभी हमारा जो प्रोग्राम बन रहा था वो आगे जाने का, लेकिन वो कैंसिल हो गया, अभी हम वापस व्यू करेंगे इंशाल्लाह। और इधर का ऐसा है कि जाने की दिल नहीं कर रहा, ठीक है, तो आया कि हमें ये दूसरा दिन है, हम ये चाह रहे हैं कि चलो अभी वापसी निकले। तो ये हमारे बैग हैं, ठीक है, और बैग पकड़ के निकलते हैं। आपको भी है बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हमारे बैग जो है ना, और कुछ ऐसे सीन है कि जब हम जिस रास्ते से आए हैं वो तकरीबन थोड़ा सा डेंजरस है, और बंदर बहुत ज़्यादा बंदर, ठीक है नहीं, और जिसने भी इधर आना है वो ज़रा ध्यान से आए, क्योंकि मैंने कुछ लेके आया था खाने के लिए और बंदर ज़्यादा होने की वजह से मुझे वो फेंकना पड़ा, क्योंकि वो सभी इकट्ठे हो गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छड़वाई। तो साहब सबसे रिक्वेस्ट है इधर आएँ और माहौल देखें, बहुत ज़बरदस्त है, वैसे थोड़ी सी एहतियात से आएँ, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ये है जी जगह अयूबिया की जगह, ठीक है जी, तो ये जगह अयूबिया की है और मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाता रहूँगा। दानिश साहब कैसा लगा भाई अयूबिया आगे? ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है जी। आपको कैसा लगा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, अभी तो हम इंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त, राणा साहब कैसा लगा आपको जी? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त है, इधर व्यूज दिखाएं जी जी, यहाँ पे हम कर देंगे सब, ठीक है इंशाल्लाह, देखते रहे साथ साथ। ये साथ में यूपिया वो जगह है जहाँ काफ़ी लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, और ये चेयर लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है, वो चेयर लिफ्ट आप देख सकते हैं। और जिसने ये यूपिया के लिए आना है वो आए, लेकिन विज़िट के लिए आप यूपिया नथिया गली, काफ़ी इधर प्लेसेस हैं, उधर आगे बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मैंने जो इंटरटेनमेंट की मैंने बहुत ज़बरदस्त, तकरीबन आज दूसरा दिन है तो बहुत ज़बरदस्त, आज 14 अगस्त है, और मैं ये चाहता हूँ कि यार आप ये इधर आए यूबिया और आप भी इंटरटेनमेंट करें, बहुत ज़बरदस्त माहौल है जी। ये यूबिया का व्यू है, मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा, थोड़ा सा उतरना थोड़ा मुश्किल है नीचे काफ़ी ज़्यादा, कोशिश यही है कि थोड़ा सा आराम से उस पर उतरा जाए, गिर के छोड़ ना लग जाए, ठीक है नहीं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, है बहुत जबरदस्त। अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह पाक की नजारे, ये है खूबसूरत नजारे, ये बादल है नीचे, ये सारे बादल ऊपर उड़ रहे हैं जी, ऐसे ही ऐसे ही। वापसी जाते हमने स्टे किया और चली, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, सभी छली खाने में मसरूफ है। छली पार्टी हो रही थी, वापसी जा रहे हैं हम और सोचे चले थोड़ा बहुत दिल मोल कर ले थोड़ा सा। फाइनली हम अभी रावलपिंडी पहुंच गए हैं और वापसी हमारा प्रोग्राम बन गया हुआ है, तो अभी वापस जा रहे हैं। और ये
हमारे से तकरीबन रह गया थोड़ा ही तकरीबन को 10-15 किलोमीटर रह गया। इधर से हम रावलपिंडी पहुँचेंगे और रावलपिंडी पहुँचने से पहले हमने टर्न लेना, ठीक है। इधर से जाके थोड़ी देर दूर जाके हमने टर्न लेना और सो अभी वापस आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त माहौल है और इधर का कूल माहौल है, ठंडा ये देखें इधर, ठीक है जी। तो व्यूज़ आज का बहुत ज़बरदस्त रहा है, तो अंधेरा हो गया काफ़ी ज़्यादा। खैर हमने नाइट सफ़र करना है, नाइट सफ़र बहुत बेहतर रहता है, दिन से बेहतर रहता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे बात होगी तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फाइनली हम इधर खाना खाया है, मियाँ जी रेस्टोरेंट। तो बड़ा अच्छा व्यूज़ है इनका, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ज़बरदस्त है। और अभी हम निकले हैं और जो हमारा ट्रैवल है तकरीबन इधर से 5 घंटे का है। ये सबसे मशहूर होटल है इस साइड के, तो हमने सोचे चले खाना भी खाते हैं और साथ व्यूज़ भी देते हैं। ये लाइव बनाते हैं, मटन हो गया, चिकन हो गया, अदर जितना भी खाना होता है लाइव बनते हैं। और इनके होटल के रूम्स है बहुत ज़बरदस्त है। अभी हमारी तैयारी फुल स्टार्ट पे है, तो अभी जाके इंशाल्लाह 4-5 घंटे लगेंगे हमें पहुँचते हुए। तो इंशाल्लाह आप देखें, आज कल से सफ़र पे निकले हुए हैं, अल्लाह खैर करे टाइम पे पहुँचे तो बेहतर, ठीक है नहीं। तो ये हमारी फुल तैयारी है, जिस हिसाब तो फुल थक गए हैं और बाकी सब भी हम थके हैं तकरीबन। बहुत ज़बरदस्त, वैसे माहौल बहुत ज़बरदस्त है। अभी इधर स्टे की है मियाँ जी रेस्टोरेंट पे ना, वापसी आते हुए। तो बहुत ज़बरदस्त सीन है और कुछ बैठ के लोग खाते हैं खाना, कुछ ऊपर चेयर पे बैठ के खाते हैं। जस्ट लाइक बैठ के नीचे खाना बहुत बेहतर है और सुन्नत भी है, सुन्नत अदा करनी चाहिए। तो अभी खाने का वेट कर रहे हैं, वो तकरीबन खाना आ गया। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह बात होती है।